नमस्कार। बेमेतरा में एक फौजी के साथ मारपीट की घटना हुई है। ये मारपीट पूर्व विधायक आशीष चावड़ा के गुंडों ने की है। इस घटना के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं ललित जी, क्या कहना चाहेंगे? ये अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया में और कई बाइट जो बाहर एक सामाजिक उसमें भी ये घटना मैं देखा हूँ कि बेमेतरा में ये जो फौजी है सूर्या, इसको घेर के इसको बुरी तरह से पिटाई किया गया है। और ये मामला जो है एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है मामला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत देश में जो फौजी मन के जो अस्मिता है, आज हमार ये स्थिति हो गई है कि वो फौज से हुए आए हुए एक इंसान जेकर तो जज्बा राष्ट्र प्रेम है, ओकर खिलाफ में मतलब पूरा षड्यंत्र करके ओकर खिलाफ में तरह तरह के धारा लगा के उला पुलिस प्रताड़ना और प्रशासनिक प्रताड़ना के षड्यंत्र में फंसाए गए, और ये सब चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे जाए। आज हर समाज ला और हर संगठन ला, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी पद में हो, अलग अलग संगठन है, छात्र मन के संगठन है, फौजी मन के संगठन है, पुलिस के संगठन है, ये सब के साथ में जब अन्याय होते, पत्रकार के संगठन है, जब अन्याय होते तो हम ना बोला अकेला होकर प्रति देखता। एक आदमी जब अकेला खड़ा होते अपन पहचान के प्रति तो ओकर साथ में न्याय हो सकते, मगर जब पूरा समाज जागृत हो जाते, पूरा राष्ट्र जागृत हो जाते, तो कोई अन्याय के खिलाफ करे पर हमला एक साथ मिल के एकजुट होकर आवाज करे पड़े। कोई आदमी के प्रति राजनीति करना और राजनीतिक षड्यंत्र करना, ये सबसे बड़े अपराध है आज के देश में। आज पूरा देश ये देखा थे कि एक फौजी के साथ जो दुर्घटना होए, उकर परिवार उकर घर में जाके बोला मारपीट करेंगे, उमला जेल में डाले गए, ये सब प्रताड़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे जाए। मैं यहां से चेतावनी देना चाहता हूं पुलिस ला, प्रशासन ला और ये शासन ला कि अभी लगातार छत्तीसगढ़ में जो आपराधिक घटना हुआ थे, लगातार एक सामान्य आदमी के साथ बर्बरता पूर्वक जो व्यवहार हुआ थे पुलिस के अंदर में, कानून के अंदर में बोला कानून ला के सिकंजा बना के होकर षड्यंत्र करके एक आम आदमी ला जो प्रताड़ित करे जाते, ये सब बर्दाश्त नहीं करे जाए। ये न्याय के संविधान के अनुरूप हर आदमी ला न्याय की व्यवस्था देना हमार जवाबदारी है, और एक नागरिक के रूप में, जागरूक नागरिक के रूप में मैं सब आप सब से अपील करता हूँ, एमा कोई भी आग्रह पूर्वाग्रह सब ला छोड़ के हमला एक फौजी के प्रति आज जो हमला न्याय के व्यवस्था करना है, संविधान के तहत न्याय की व्यवस्था करना है, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना है, और ये राष्ट्र के सबसे बड़े संप्रभुता है, राष्ट्र के सबसे बड़े सम्मान है एक फौजी होना, और जो फौजी के कारण से हमारा पूरा देश सुरक्षित है, और फौजी के साथ में इस तरह के अन्याय और इस तरह के प्रताड़ना करे जाए कदाचित बर्दाश्त नहीं करे जाए। आगामी अभी रविवार को अब बैठक के सिलसिला चालू हो चुके हैं, जन जागरण के सिलसिला चालू हो चुके हैं, ये अभियान रुके नहीं। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये विरोधाभास के घड़ी में भारत देश के एक फौजी के साथ में ये जो घटना हुआ थे, एक जांच होना चाहिए, और जो भी षड्यंत्र पूर्वक जो भी आदमी राजनीति कर रहे थे या कोई भी षड्यंत्र कर रहे थे, वो आदमी के पक्ष उजागर होना चाहिए, और उजागर होने के साथ न्याय की पूरी व्यवस्था होना चाहिए। नहीं हो ही तो हम एक जन आंदोलन करबो और बड़े से बड़े एक न्याय के परीक्षा के में हम हर आदमी लेने के आगू बढ़बो, एक कारमा बना के हम दिखाबो कि भारत देश सोए नहीं है, जागत है, और भारत के हर आदमी मिलके ये लड़ाई हम जीतबो, ये मोर कहना है।